तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल अर्निंग में। लीनिया लीनिया का वॉयज आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, देख सकते हो। पहले देखिए, सबसे पहले तो इंटरेक्ट के वेबसाइट में आओगे। अगर यहाँ पर लीनिया नहीं देखता है तो एक्सप्लोर में क्लिक करोगे, नीचे यहाँ पर लीनिया दिख जाएगा, ठीक है। अगर इधर देखते हो आप, यहाँ पर जो न्यू वॉयज है इधर दिखते थे राइट साइड, लेकिन अब न्यू वॉयज लेफ्ट साइड दिखना शुरू हो गया है। अभी यहाँ पर देखिए ये वाला वॉयज वेब 4, ठीक है। तो इसको हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सपी है, एक्सपी का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि देखिए 20-20 एक्सपी के लिए कितने $25-30 करके आपको यहाँ पे मतलब के लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक हिसाब से थोड़ी बहुत फीस जाते हैं। अब सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आ गए, देखिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ है 27 नवंबर को, दिसंबर 5 को ये एंड होगा। और पहले ही बता चुका हूं कि इसका 10 वेव आएगा, अभी ये वेव 4 है, ठीक है। 6 हफ्ते तक चलेगा। सबसे पहले तो ऊपर देखिए लैंडिंग एंड ब्रोविंग वाला काम है, कुछ इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट सारा के यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। ये देखिए कंप्लीट लैंडिंग एंड ब्रोविंग वाला। अब देखिए यहाँ पर कोर टास्क, ये है सबसे असल टास्क, कोर टास्क, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ बोनस टास्क है, इसको कंप्लीट कर भी सकते हो ना भी कर सकते हो, लेकिन करोगे तो एक्सपी मिलेंगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बोनस टास्क, ये कोर टास्क, इसको तो करना ही पड़ेगा। अब करना क्या है, देखिए बोरो एटलीस्ट $25 वर्थ ETH या WETH, 1 ट्रांजेक्शन ऑफ लिनिया ऑफ एनी ऑफ द एप्स, ठीक है। अब $25 का आपको क्या करना है, यहाँ पे बोरो करना है। अभी बोरो सिर्फ करना है $25 का, ETH हो या WETH, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कह दिया है 1 ट्रांजेक्शन में। इसमें क्लिक करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, स्टार्ट। ये देखिए, और इधर आप दो चीज यूज कीजिएगा, या तो मैदी फाइनेंस यूज कीजिए या फिर ये वाला यूज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो इसी को यूज कर लेता हूँ, या चाहो तो आप मैदी फाइनेंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों सेम है। और यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन करने से पहले यहाँ पे गो टू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक। यहाँ प्रोजेक्ट को ओपन करना है, पहले कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टिक कर देना है, एग्री करना है, इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा। वॉलेट सबसे पहले तो आपको कनेक्ट करना होगा मेटामास्क लीनिया, ओके, फटाफट से हो जाता है, देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ये देख लीजिए, अब सबसे पहले क्या कहा है, इधर क्या कहा था कि आपको $25 का बोरो करना है, ठीक है, $25 का ETH या WETH बोरो करना है। चलिए इधर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कौन सा है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, USDC है, USDT है, WETH है। तो WETH सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बोरो करेंगे। पहले यहाँ पे इसको पहले तो सप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, WETH को यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। या फिर आप चाहो तो देखिए एक एक काम कीजिए, सबसे पहले तो USDC अगर है तो इसको पहले सप्लाई करिए। क्यों, ये देखिए नीचे अगर आप देखोगे ना बोनस टास्क में, मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे पहले कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ $75, 75%। हाँ, तो यहाँ पे अमाउंट एग्जीक्यूट, पहले यहाँ पे अप्रूव पहले करना पड़ेगा, ठीक है। USDC में हमने पहले इसको अप्रूव कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना है, ठीक है, मैं जैसा जैसा दिखा रहा हूँ वैसा अगर कीजिएगा ना तो यहाँ पे एक्सपी ज्यादा मिलेंगे। हाँ, फंड होने चाहिए आपके अकाउंट में, फंड होने चाहिए कम से कम, तो आप 30-40 डॉलर का आपके पास ETH होना चाहिए, और वही $40-50 का आपके पास USDC भी होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका बड़ी आसानी के साथ ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें यहाँ फीस की, सप्लाई कर रहा हूँ $69, ठीक है, USDC, तो सब देख सकते हो $2 के अराउंड फीस जा रहा है, ठीक है। तो सारे मिला के मेरा सिर्फ अप्रूव करने में 30, और यहाँ पे 7 1.7, मतलब के $2 का फीस जा चुका है, याद रखिए, ठीक है, $2 का फीस सिर्फ सप्लाई करने में चला गया। तो डॉलर तो यहाँ पे जो फीस है, ये देखिए डिपॉजिट सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे हमारे डिपॉजिट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं टास्क में, तो टास्क में इन्होंने क्या कहा था, मैं शुरू से फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये करना है, नीचे देखिए यूज स्टेबल कॉइन एज कलेटरल एंड बोरो एटलीस्ट $25 एनी सपोर्टेड टोकन 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऊपर क्या कहा है कि WETH या ETH को आपको करना है बोरो, ठीक, बोरो $25 का, और यहाँ पे यूज करना है स्टेबल कॉइन को कोलेट्रल मैन, बोरो करना है $25 किसी को भी, समझ गए। तो अब क्या करना है, हमने देखिए यहाँ पे सप्लाई कर लिया किसको, USDC को। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कोलेट्रॉल इस तरीके से यहाँ पे ऑन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, मेटामास्क में ट्रांजेक्शन आएगा इसको, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग कंफर्म कर देते हैं, ठीक
ठीक, ये एक हमारा हो गया, कोलेटरल ऑन हो गया। अब हमें बोरो करना है। बोरो कौन सा करना है? बोरो करेंगे हम लोग या तो WETH या फिर ETH। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे WETH को ही बोरो कर लेता हूँ, ठीक है। WETH यहाँ पे WETH मैंने क्लिक किया। आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। बोरो का लिमिट देख लीजिए, और USDC, USDT नहीं, WETH कहा है, और यहाँ पर कितना यहाँ पे लिमिट का है देख लेता हूँ। ये इतना लिमिट $55 का हमें दे रहा है, तो $25 का करना था, हम लोग $25-42 इतना कर लेते हैं बोरो। ये देखिए WETH, हम लोग यहाँ पे बोरो, हमने जो सप्लाई किया ना USDC, तो उसमें हमें बोरो का लिमिट मिल गया, हमने $69 किए। आप यहाँ पर अगर $40-50 भी करते हो तो आपको यहाँ पे $25 का लिमिट तो मिल ही जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अरे यार $3 का यहाँ पे लग रहा है ट्रांजेक्शन फीस, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन। देखिए अगर पैसे नहीं है तो ये सबको आप स्किप भी कर सकते हो, बहुत कॉस्टली है, समझ गए ना। तो हमने ये काम कर लिया, क्या क्या कर लिया अभी ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे इसको कंफर्म होने देते हैं। तो टास्क में हमारा दो टास्क यहाँ कंप्लीट हो चुका है। पहले क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए स्टार्ट ये वाला हमारा हो गया कि बोरो $25 का ETH WETH। अगर यहाँ पे देखते हो तो हमने बोरो ETH कर लिया है $25 से ज्यादा, एक नंबर। दूसरा नंबर यहाँ क्या क्या कहा है कि स्टेबल कॉइन को कोलेट्रल में आपको यूज करना है। $25 का आपको यहाँ पर क्या करना है, सपोर्टेड टोकन को आपको बोरो करना है। तो दोनों हमारा हो गया एक ही साथ में। अब हम लोग टास्क को पहले दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ स्टार्ट वेरिफिकेशन, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट, और इधर हम लोग मेदी फाइनेंस में किए ये वाला करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे टिक मार के। ये 1 घंटे का समय लेगा और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक हो गया। दूसरा वाला ये भी हम लोग इसको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट, मेदी फाइनेंस, दोनों मेदी फाइनेंस से किए हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, हमने ये कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और ये भी 1 घंटे का समय लेगा। बस दोनों का हो गया। अभी आप देखिए मैं कुछ टाइम बाद आया, इधर देखिए आपके सामने ये दो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो हमने $25 का बोरो किया था, ठीक है। बोरो किया था ETH या WETH, तो हमने WETH किया, तो ये वाला हम क्लेम कर लेंगे 150 XP। अभी और दिखाता हूँ, देखिए सारा टास्क कंप्लीट करना है। मैं बहुत रुक रुक के, मैं लगभग 20-25 मिनट बाद आया हूँ और फिर से इसको क्लेम कर रहा हूँ। तो दो हमारा हो गया एकदम सिंपल वे में, ठीक है, XP 20 मिल गए। अब तीसरा यहाँ क्या है, यहाँ पे कहते हैं यूज WST कोलेट्रल एंड बोरो एटलीस्ट $25। देखिए अब बोरो करना है $25 का एनी टोक सपोर्टेड टोकन, लेकिन आपको कोलेट्रल में यूज करना है WST ETH, ये बात याद रखिए। अब इधर आ गए, हमने यहाँ पर क्या किया था, बोरो किया था ना, बोरो किया अभी। तो सबसे पहले तो अभी क्या करना है, यहाँ पर जो हमने बोरो किया था तो इसको हम पहले कर देंगे इधर रीपे। अब देखिए रीपे का एक वो टास्क है, यहाँ यहाँ देखिए रीपे का टास्क है, ये भी हमारा कवर हो जाएगा। तो पहले रीपे पे जाएंगे। अब यहाँ पे कितना लग रहा है रीपे में देख सकते हो, जितना लग रहा है तो आपको करना है यहाँ पर 100% पे कर देना है क्लिक, ठीक है। इस तरीके से 100%, थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए। 100% क्लिक कर दोगे ना तो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अप्रूव पे आपको क्लिक कर देना है, या फिर आप एक काम कीजिए, यहाँ पर इसको इस तरीके से कॉपी कर लीजिए, अमाउंट को कॉपी करके यहाँ पर आप उसको कर दीजिएगा पेस्ट, ठीक है। यहाँ पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर कर देना है आपको अप्रूव। तो यहाँ पर इतना है तो मैं और एक यहाँ पे 5 लगा देता हूँ ज्यादा, ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे अप्रूव क्लिक कर दूंगा ट्रांजेक्शन। और एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, कोलेटरल में आपको सिर्फ WET WST ETH यूज करने को कहा, बोरो $25 का कोई भी टोकन। तो पहले से ही हमारा बोरो तो यहाँ पे किया हुआ है, अब सिर्फ हमें कोलेटरल में यहाँ पे यूज करना है WST ETH। तो वो कहाँ से मिलेगा दोस्तों, आपको इजूमी फाइनेंस पे आ जाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अगर आपके पास बैलेंस है तो कीजिए, नहीं तो फिर पहले विड्रॉ मार लीजिए। तो जैसा कि बैलेंस है, मैं ETH यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करता हूँ, $56 का बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, कितना डॉलर का यहाँ पे करूंगा, फीस रख लूंगा अपने पास, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं अपना टोकन, ठीक है। तो देख सकते हो मैं $40 का यहाँ पर कर रहा हूँ स्वाप WST ETH ETH से।
मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से स्वाप कर दूंगा, ट्रांजेक्शन कंफर्म कर दूंगा, स्वाप मेरा हो जाएगा। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पर ये हो गया सप्लाई। ये लिस्ट जो है ना नीचे वाला, ये सप्लाई वाली लिस्ट है। अब यहाँ पे हमें कोलेटरल ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी ट्रांजेक्शन फीस, मतलब कि आपका $8 से $10 यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस फीस में सिर्फ जाएगा, वो भी ETH और लीनियर नेटवर्क पे। ये हमारा लगेगा ही लगेगा, ठीक है, अगर आप ये टास्क सारा का सारा कंप्लीट करना चाहते हो तो। ये देखिए हो गया। अब ये बोरो तो ऑलरेडी है, अगर आप करना चाहो बोरो तो यहाँ पे बोरो कर सकते हो। जैसे कि मैं एक बोरो कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में इसको रिपे कर देंगे। यहाँ पे देखिए $27 का ये मैं बोरो कर लेता हूँ USDC, क्योंकि हमने सप्लाई किया ना, तो उसके बदले में हमें यहाँ बोरो करने का लिमिट मिल रहा है। ओके, तो हम बोरो कर लेंगे जब हमें लिमिट मिल रहा है तो। और उसके बाद हम लोग पहले यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे। अभी रीपे हमने करना बाकी है, मैंने रीपे आधा दिखाया और आधा नहीं दिखाया। देख सकते हो $2 का बता रहा है, $3 का ट्रांजेक्शन फीस बता रहा है यार, मतलब कि ट्रांजेक्शन फीस में फट जा रही है एकदम, ठीक। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब इसको पहले रीपे कर लेते हैं। रीपे करने के लिए मैक्सिमम पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर रीपे पे क्लिक कीजिए और कितना 20,669 दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे 20,868 है, 68 दिखा दिया, ये कर लेंगे। अप्रूव किया हुआ है, रीपे पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक। जो भी आपने यहाँ पे बोरो किया था, जैसा कि मेरा यूएसडी WETH बोरो था, रीपे कर दिया। USDC बोरो है, इसको भी रीपे करना पड़ेगा। अगर रीपे ये नहीं करते हो तो इधर जो आपने सप्लाई किया ना, ये विड्रॉ नहीं होगा। यहाँ देखिए विड्रॉ का ऑप्शन है, विड्रॉ के लिए लिमिट आपका देगा ही नहीं, ठीक है, विड्रॉ करने ही नहीं देगा। तो पहले रिपे आपको करना पड़ेगा। रिपे जैसे ही हो गया, अब चलते हैं टास्क में। टास्क में ये वाला हमने कर लिया कंप्लीट, इसको करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट मेदी फाइनेंस है, मेदी फाइनेंस पे जाएंगे। प्रोजेक्ट में जाने की जरूरत नहीं, हमने वर्क कर लिया है कंप्लीट। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पे ये भी 1 घंटा बता रहा है, हालांकि नहीं लगता है। रिपे वाला भी हमने कर लिया है, रिपे। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे कौन सा है, मेदी फाइनेंस, और यहाँ पे कंटिन्यू, स्टार्ट वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको टिक, प्रोसीड। ये भी 1 घंटे का टाइम बताएगा। अब उसके बाद है बोरो एटलीस्ट $5 वर्थ जेट के USD। चलिए इसको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर ये वाला है रिव्यू वाला, रिव्यू पे जाना है और यहाँ पे राइट रिव्यू, राइट रिव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए डैप शरीफ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है मेदी फाइनेंस, ठीक है, या यहाँ पे आप इसको ढूंढ भी सकते हो, या जो प्रोजेक्ट में आपने वर्क किया। तो हमने तभी मेदी फाइनेंस किया ना, तो उसी को हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे अभी मिला नहीं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं मिलता है तो ऊपर आइए और यहाँ पे आप सर्च बार पे सर्च कर लीजिए। सर्च क्या करूंगा मैं यहाँ पे कर लूंगा MEND, मेहंदी, ठीक है। तो मेहंदी फाइनेंस, ये देखिए मेहंदी फाइनेंस आ गया। 4.81 की रेटिंग है, मैं यहाँ पे 5 स्टार दे देता हूँ, रिव्यू में दे दिया और लीव रिव्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक। ये हो गया और इसको मैं कट कर देता हूँ। आप चाहो तो इसको मिंट भी कर सकते हैं। 0.001 ETH लग रहा है मिंट करने का, आपने जो रिव्यू दिया है उसको आप मिंट भी कर सकते हो। वैसे जरूरी नहीं है लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो। देख सकते हो टोटल यहाँ पे $2 का लग रहा है। चलिए मैं एक बार यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, ठीक है। योर NFT हैज बीन मिंटेड, ये हमारा हो गया काम खत्म। अब इधर आते हैं, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और इधर प्रोसीड, ठीक है, टिक करके, और ये हमारा टास्क हो जाएगा। 25 मिनट लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। ये हो गया। बाकी अभी मेहंदी फाइनेंस में जितना कुछ दिया है उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे रीपे करने के बाद इसको विड्रॉ कर लेना, USDC जो है यहाँ आना है सारा, USDC विड्रॉ, उसके बाद WETH विड्रॉ कर लेना है, फिर आपको इजूमी फाइनेंस में जाना है, इसको क्रॉस कर देना है और यहाँ पे स्वाप कर लेना है। आपका सारा का सारा बैलेंस आपका आ जाएगा ETH में, लीनियर नेटवर्क पे, जो WST ETH में था वो वाला, ठीक है। जेट के USDC वाला, ये वाला भी हम लोग टास्क देख लेते हैं यहाँ पर क्या करना होता है। तो अभी ये वाला जो बोरो एटलीस्ट 25, ये वाला जो है ना, ये वाला मैं आपको टेलीग्राम पे शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा इसके बारे में, कैसे कैसे क्या करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। बाकी का जो सारा टास्क है वो हमने तो कंप्लीट कर ही लिया है। ये देखिए 2 वेरिफिकेशन मैंने आपको क्लेम करके दिखाया लाइव, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने 3 को अभी वेरिफिकेशन में लगाया है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये 31 मिनट है, ये वाला 31 मिनट है, और तीसरा वाला अगर देखें तो ये वाला फ्यू मोर मिनट है, कुछ मिनट में ये हो जाएगा, ठीक। अभी अभी कितना हमारा यहाँ पे ये 50, इसमें 50 XP मिल रहे हैं यार, तो चलिए 50 XP तो हमें क्लेम करने हैं।
तो अगर यहाँ पे टोटल देखें 310 में से 50 यानी कि 260 एक्सपी तो हमें अभी मिल ही जा रहे हैं, जिनमें से हमने 170 आपके सामने यहाँ क्लेम कर लिया है। ओके सो कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, आप लोग सारे लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो बड़ी इजीली। लेकिन हाँ, फंड होने चाहिए, फीस बहुत दबा के $10 का अराउंड सिर्फ फीस फीस में जा रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके सो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट न्यू एयर ड्रॉप के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।